फाइव शॉकिंग रीजन कि BGMI अब डेड है। वेल, क्या अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं आप कि BGMI आपके प्ले स्टोर पर आएगा? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेल, सुनने में उड़ती उड़ती खबर ये आई थी कि 8 तारीख को BGMI आपके प्ले स्टोर पर नज़र आ जाएगा, लेकिन तब भी नहीं आया। एंड देन उड़ती उड़ती खबर ये भी आई थी कि फिर आपको 16 तारीख को देखने को मिलेगा, तभी भी नहीं आया। एंड देन 18 तारीख तो भाई आएगा ही आएगा। एंड वॉट गेस, 18 तारीख को तो ऐसा हाल हुआ कि वो जो नोटिफिकेशन आता था, आपको एक नोटिस मिलती थी कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो भी नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर ही आप समझ जाइए कि 3 पॉइंट मैंने यहीं पर गिना दिया है, लेकिन ये एक भी पॉइंट में काउंट नहीं होते जो मैंने 5 शॉकिंग रियलिटी आपके सामने लेके आना है। सबसे पहली चीज़, मैंने आपको 8 तारीख को जब वीडियो बनाई थी तभी मैंने आपसे कह दिया था, मैंने 8 तारीख को मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी, मैंने तभी आपसे कह दिया था कि ना 8 तारीख को BGMI आएगा, ना 16 तारीख को आएगा, ना ही 18 तारीख को आएगा। आप मेरी 8 तारीख वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने बताई थी कि ना ही 18 को आएगा, ना ही 8 को, ना ही 16 को। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पहले तो यहाँ पर आप देखिए C3S7 नज़र आ रहा है। आज मॉर्निंग में ये अपडेट आया है BGMI में। ये अपडेट है या क्या है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो आपने इतने टाइम से पिछले सीज़न जो गेम खेला उसके रिवॉर्ड तक आपको नहीं मिले, मतलब ये गेम पर अब कोई काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर काम करना होता तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है ना, तो यहाँ पर एटलीस्ट एक रिवॉर्ड तो दे देते। इस बार ही अगर आज एक छोटा सा अपडेट आया ही है तो यहाँ पर ये रिवॉर्ड ही अलग चेंज कर देते। देखिए जी, गेम चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इवेंट भी है अभी फ़िलहाल BGMI में, तो ये सारी चीज़ें एक रिवॉर्ड, मतलब ये कि इस गेम को बना के अब छोड़ दिया गया है। वेल, दूसरी चीज़ ये कि जब प्ले स्टोर से BGMI हटा था तभी भी क्राफ्टर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, और अभी तक क्राफ्टर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। सो जो लोग अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि BGMI आपके प्ले स्टोर पर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, भूल जाइए ये। अगर ये गेम आना होता तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई होती कि आप वेट करिए, गेम आएगा। उन्हें इतना तक मौका नहीं है कि वो एटलीस्ट ये उनकी ऑडियंस को बता सके कि गेम आएगा, क्योंकि गेम आएगा ही नहीं। ये जो डेट जो इधर उधर बढ़ रही है, ये 8 तारीख को, 18 तारीख को, 16 तारीख को, या फिर अब जो है मार्च में या फेब में या अप्रैल में, ये इस तरह डेट जाती रहेगी क्योंकि यूट्यूबर्स का काम है ये करना। अब आपका अपना ओपिनियन है, अपनी आंखें हैं, देखिए और सोचिए। गेम अब नहीं आएगा एज अ कॉम्पिटेटिव, बहुत सारे लोगों ने डिवाइस ली है, नो इशू, आप कोई और गेम में शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि PUBG न्यू स्टेट एज अ कॉम्पिटेटिव, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। सो पहला रीज़न ये था कि गेम में 18 तारीख को कोई अपडेट नहीं आई है। सेकंड रीज़न ये है कि क्राफ्टन ने ना तब कुछ कहा ना अब कुछ कहा, मतलब ये कि क्राफ्टन की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस, अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं आई है जिससे हमें लगे कि इन फ्यूचर गेम आएगा। वेल, आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी है BGMI की, इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो क्राफ्टन तो खुद ये सोचता कि अगर हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो ऑडियंस यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। सही है, अगर हम ये नहीं कहेंगे कि गेम आपका आएगा तो ऑडियंस इस गेम में बनी रहेगी, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि गेम अब नहीं आएगा। अगर उन्हें ये मेजॉरिटी जो है गेम की, जो BGMI में इतने सारे प्लेयर्स जो यहाँ पर इतना टाइम दे रहे हैं, तो क्राफ्टन तो खुद सोचता ना कि ये जो इतने सारे लोग हैं कहीं यहाँ वहाँ शिफ्ट ना हो जाए, इसके लिए हम उनसे कह तो दें एटलीस्ट कि ये गेम आएगा, तो इससे ऑडियंस हमारे इसी गेम में रहेगी। उन्होंने तो इतना भी नहीं कहा है, तो आप खुद समझ जाइए कि गेम आएगा, वो खुद जाने दे रहे हैं अपने ऑडियंस को, आप खुद सोचिए। ये सेकंड पॉइंट ये है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं मिली है। ठीक है, ना ही कोई इन गेम इवेंट आ रहा है, ना ही कोई इन गेम आपको जो है मोड देखने को मिल रहा है। अगर आप PUBG मोबाइल की देखें, वहाँ पर डेली इवेंट्स आ रहे हैं, डेली मिशंस आ रहे हैं, रॉयल पास आ रहे हैं। BGMI में तो RP भी लॉक है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ एज अ फन खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो, इसके अंदर एज अ कॉम्पिटेटिव आप भूल जाइए। आप कोई और गेम में शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि PUBG न्यू स्टेट, उसमें एज अ कॉम्पिटेटिव आप
प्रैक्टिस करिए, आप आगे जा सकते हो, लेकिन बीजीएमआई में फिलहाल के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे आज के दिन के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि शायद हमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, या कुछ तो रिवॉर्ड या तो कुछ तो मिल जाए, लेकिन आज बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता चला और इन फ्यूचर आपको नहीं पता चलेगा, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिए। बाकी बहुत सारे गेम हैं, आप वो ट्राई कर सकते हो। आपका अपना क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, क्या अभी भी आपके फेवरेट स्ट्रीमर कह रहे हैं कि गेम आएगा, तो आप वेट कर सकते हो। और आपका अपना ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये मेरा थर्ड चैनल है, आप मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा अलग कंटेंट लेके आऊँगी क्योंकि दो चैनल्स ऑलरेडी स्ट्राइक आ गई है फेक, तो हमें ये चैनल्स दोनों डिलीट हो चुके हैं। इस चैनल का भी कोई भरोसा नहीं कभी भी स्ट्राइक आ जाए, तो आप मेन चैनल जाके डिस्क्रिप्शन से सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।